मुजफ्फरपुर में जहां एक तरफ कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है, तो वहीं जिले में दूसरी तरफ लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले का पोस्ट ऑफिस हो या फिर प्रवासी मजदूरों का दूसरे राज्यों से आना, हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से गाड़ियों में आ रहे हैं। इसमें प्रशासन और लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। इस मामले में जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह कहते हैं कि सख्ती बरतने का आदेश पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है, लेकिन आम लोगों को भी खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। लॉकडाउन जो है उसको इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। हम लोग एसएसपी साहब से बात करके पोस्ट मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन भी कई जगहों पर हुआ है, उसको हम लोग इंश्योर कराएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा, हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अब इस प्रकार के फेज में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, इतना लंबा ये खींच रहा है कि अब सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस ये बहुत जरूरी हो गया है। अपनी रक्षा स्वयं करने की जो एक मानसिकता है वो अब विकसित होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे दुकानों को भी छूट मिल रही है, आवागमन के साधनों को भी धीरे धीरे मिल रही है। तो एक लिमिटेशन, एक लिमिट है जिसको कि जबरदस्ती इन्फोर्स कराया जा सकता है, हम लोग उसको करा ही रहे हैं। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम सभी जिले वासियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अब आत्मानुशासन का परिचय देते हुए स्वयं जागरूक बने और अपनी रक्षा स्वयं करें, ये बहुत जरूरी है। हम कहीं अगर जाते हैं तो मास्क या गमछा जरूर पहन करके जाएं, और दुकान पर भी जाते हैं तो हम लोग स्वयं से सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। ये हम लोग अपनी आदत में अब डालें, क्योंकि ये लंबा चलना है, ये मामला लंबा चलेगा, ऐसा दिख नहीं रहा हम लोगों को कि नजदीक ये जल्दी खत्म होने वाला है। और हम लोगों के लिए बस थोड़ी सी राहत की बात यह है कि जो पॉजिटिव केसेस हम लोगों के जिले में आ रहे हैं वो जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई आए हैं उन्हीं में है, हमारे जिले में पहले से जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में नहीं है। और उन लोगों को हम लोग चूंकि क्वारंटाइन कैंप में अभी रखे हैं, इसलिए बाहर ये मामले अभी नहीं फैल रहे हैं। जो कम्युनिटी स्प्रेड की बात है उस तरह का मामला नहीं है कि एक से दूसरे को तीसरे चेन नहीं बन रही है, ये हम लोगों के लिए एक राहत की बात है। लेकिन फिर भी हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए जो सतर्कता बरतनी है उसको हम लोगों को बरतनी होगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में अभी तक सिर्फ 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अगर लोग और प्रशासन दोनों अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं, तो इस मामले को यहां रोका जा सकता है। न्यूज डेस्क।